दोस्तों लेटेस्ट मिस्टीरियस वीडियो के लिए दबा दीजिए सब्सक्राइब बटन पर, साथ ही साथ बेल आइकन पर भी क्लिक कर दे ताकि जब हम अगले वीडियो डालें तो आप तक आसानी से पहुंच सके। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस चैनल में जिसका नाम है द न्यू मिस्टीरियस। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले हम अपने दर्शकों और सब्सक्राइबर्स का शुक्रिया करते हैं जिनके लाजवाब समर्थन से आज हमने 1K सब्सक्राइबर्स पूरे कर लिए हैं। एक बार फिर से मैं आपका थैंक्स बोलना चाहता हूं। दोस्तों एक सब्सक्राइबर्स ने मुझसे कहा कि यार हम जहां रहते हैं इसकी खोज कैसे हुई होगी और कब, तो उनकी फरमाइश पर आज की ये वीडियो कि भारत देश की खोज आखिर कब और कैसे हुई। दोस्तों जब हम अपने देश या किसी और देश के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले यही ख्याल आता है कि ये देश कैसे बना, कहां से आए इतने सारे देश, कैसे हुई इनकी खोज। लेकिन इन सवालों के जवाब हम ढूंढ नहीं पाते, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है, इन सवालों के जवाब आज हम आपको बताते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों अभी नीचे दिए हुए लाल बटन पर क्लिक कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि जब हम अगला वीडियो डालें तो आप तक आसानी से पहुंच सके। दोस्तों भारत का इतिहास काफ़ी पुराना है, लेकिन दुनिया को भारत के बारे में पता चला वर्ष 1498 में। यार जो पुराने समय के लोग हुआ करते थे ना, वो खोजी प्रवृत्ति के थे, अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए वो दूर दूर तक घूमना और उनके बारे में पता करने की आदि आदतें शुमार थी। जैसे जैसे खाने और रहने की समस्या का समाधान हो गया, फिर मानव जाति ने देश दुनिया की खोज जारी कर दी। इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए विश्व के काफी साहसिक नाविकों ने हजारों लाखों किलोमीटर की नौका यात्रा करके दूसरे देशों की खोज शुरू कर दी। इसी तरह पुर्तगाल का साहसी नाविक वास्को द गामा अपनी समुद्र यात्रा करता हुआ 20 मई 1498 ईस्वी को भारत के कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा। यहां आने के बाद वास्को द गामा ने भारत देश को देखा और दुनिया के बारे में जानकारी दी। इसी वजह से माना जाता है कि भारत की खोज 1498 में वास्को द गामा ने की। तो दोस्तों ये थी भारत की कहानी। हम आशा करते हैं कि आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी हो। तो फिर देर किस बात की, अभी नीचे दिए हुए लाल बटन पर क्लिक कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। आप अपने शब्द या कोई बात जो आप कहना चाहते हो वो प्लीज़ कमेंट बॉक्स के जरिए हमें दे सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम। मिलते हैं अगली वीडियो में।